सुलभ है, झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है, खामोश लब है, झुके हैं पलके, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं में उल्फत नहीं है, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़के का दिल ज्यादा, अभी उल्फत नहीं है, शेर करती हूँ, बाहर का आज पहला दिन है, क्या कहना, वाह वाह वाह, चलो चमन में टहल के आए, बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए, फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंग खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है, खामोश लब है, और गजल का ये शेर बतौर खास पेश करती हूँ, सुने, जो खानदानी जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं, फिर से पढ़ती हूँ, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं, खामोश लब है, झुकी हैं पलके, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है, और इस शेर में मैंने अपनी तहजीब को, अपने कल्चर को, खासतौर से हमारे कुछ मुशायरे और कुछ कवि सम्मेलन में जब अपने कुछ कवि और कुछ शायरों को ऐसा देखते हैं कि हमारी तहजीब मजबूत हो रही है, हमारा कल्चर खत्म हो रहा है, तो एक शायर आपको ऐसा शेर पढ़ना पड़ता है, आपकी खिदमत में पेश करना पड़ता है और आपसे दुआएं लेनी पड़ती है, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आंख बैठे हो पहली सब में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आंख बैठे हो पहली सब
आप तशरीफ रखिए, सिर्फ दो शायर हैं जिन्हें अपना कलाम पेश